नमस्कार दोस्तों, ज्ञान टीवी के एक और एपिसोड में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप के 20 ऐसे तथ्य के बारे में जिसे आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल लगभग 4,46,00,000 वर्ग किलोमीटर है, जो पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 8.7% और थल क्षेत्र का 30% है। नंबर 2, एशिया में चीन, जापान, भारत और रूस समेत कुल 48 देश हैं। इनमें ताइवान और हांगकांग जैसे देश शामिल नहीं है, क्योंकि ये चीन के अधीन है और पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। नंबर 3, एशिया की आबादी लगभग 444 करोड़ है, जो पूरे विश्व की आबादी का 60% है। नंबर 4, विश्व की 10 सबसे ऊंची इमारतें में से 9 एशिया में है। इनमें 9 में से 4 चीन और बाकी की 5 अलग अलग देशों में दुबई, सऊदी अरब, साउथ कोरिया, ताइवान और हांगकांग में स्थित है। नंबर 5, विश्व की 5 प्रमुख धर्म हिंदू, ईसाई, इस्लाम, चीनी लोक सभ्यता तथा बौद्ध धर्म का उदय एशिया में ही हुआ था। नंबर 6, एशिया में सबसे ज्यादा आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाले की है। महाद्वीप की लगभग 140 करोड़ आबादी मुस्लिम है, जो महाद्वीप की कुल आबादी का 32% हिस्सा है। नंबर 7, एशिया में हिंदुओं की आबादी लगभग 110, जो महाद्वीप की कुल आबादी का लगभग 25.3% है। मतलब एशिया का हर चौथा व्यक्ति हिंदू है। नंबर 8, हिंदू और मुसलमानों के बाद ईसाई धर्म 12.6% और बौद्ध धर्म 12% का नंबर आता है। महाद्वीप की बाकी आबादी अन्य छोटे छोटे संप्रदाय और धर्मों में मानी जाती है। नंबर 9, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप बोर्नियो है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,43,000 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से बोर्नियो द्वीप उत्तर प्रदेश से लगभग 3 गुना ज्यादा बड़ा है। नंबर 10, एशिया का सबसे छोटा देश हिंद महासागर में भारत के नजदीक वसा मालदीप है। मालदीप 1192 छोटे से मूंगे के टापू से बना है, जिसका क्षेत्रफल मात्र 299 वर्ग किलोमीटर है। नंबर 11, क्षेत्रफल के लिहाज से एशिया और विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है, जिसका क्षेत्रफल 1,71,00,000 वर्ग किलोमीटर है। इस तरह से रूस का पूरे स्थल भाग के 11% हिस्से पर अधिकार है। नंबर 12, दुनिया का सबसे ऊंचा बिंदु माउंटेंट एवरेस्ट 8,848 मीटर है और सबसे निचला बिंदु मृत सागर -400 मीटर एशिया में ही स्थित है। मृत सागर को अंग्रेजी में डेड सी कहते हैं। ये एक खारे पानी की झील है। नंबर 13, एशिया इकलौता ऐसा महाद्वीप है जिसका सीमा अन्य 2 महाद्वीपों से जुड़ती हुई है, अफ्रीका और यूरोप। नंबर 14, दुनिया की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में से 2 चीन, दूसरी और जापान, तीसरी एशिया में ही है। रूस और भारत दोनों टॉप 10 में आते हैं। नंबर 15, दुनिया भर में चावलों की उपज का 90% भाग एशिया के लोग ही खपत करते हैं। नंबर 16, नेपाल एशिया का पहला देश है जिसने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी। नंबर 17, लिखने की कला का आविष्कार एशिया में ही हुआ था। नंबर 18, चीन में बहने वाली यांगत्सी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है। प्राय पश्चिम से पूर्व की दिशा में बहने वाली इस नदी की लंबाई लगभग 6,300 किलोमीटर है। नंबर 19, एशिया में 12 लैंडलॉक देश है, यानी ये देश दूसरे देशों द्वारा घिरे हुए है और इन देशों का कोई भी समुद्र सीमा नहीं है। ये देश है अर्मेनिया, भूटान, लाओस, नेपाल, मंगोलिया, अफगानिस्तान, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। नंबर 20, दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर भी एशिया में ही स्थित है। ये झील 3,71,000 वर्ग किलोमीटर इलाके में फैली हुई है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम अपने समाज को सभ्य और शिक्षित बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।